गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशोक पाठक। टुडे आई विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज लार्ज नंबर। इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन प्रीवियस क्लास आई विल टेल यू अबाउट द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अगेन आई विल रिपीट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज फर्स्टली there is firstly first digit, and first digit is divided into three parts. In Indian system of numeration there is ones, and ones is divided into three parts, that is ones, tens and hundred. Ones, tens and hundred. Ones, tens and hundred. This is divided into two parts, that is thousand. Thousand is divided into two parts, thousand and 10,000. 10,000. T-H-O-U-S-A-N-D. Thousand and 10,000. Then after there is lakh. Lakh is also divided into two parts. Lakh. Lakh is also divided into two parts. Lakh and 10 lakh. Lakh and 10 lakh. Then crore is also divided into two parts, crore and ten crore. This is the chart for Indian system of numeration. ये एक chart है जो किसके according है, Indian system of numeration, ठीक है ना। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई नंबर्स दी गई है तो उसमें अगर हमें कॉमा लगाना है, कॉमा इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, देन 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, देन 2 डिजिट के बाद एंड देन 2 डिजिट के बाद। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंसर्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, देन 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट एंड सो ऑन। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल 573426 ये नंबर दिया गया है, ठीक है। You have to insert comma and write the numbers name according to Indian system of numeration. So first of all, you have to insert comma after 3 digits, then 2 digits, then 2 digits, then 2 digits. अगर यहाँ पर 2 digits नहीं है तो 1. Starting हम यहाँ से करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि comma आप लोग यहाँ से start कीजिएगा। कि 3 digits सर ने बताया है तो 1, 2, 3 digits यहाँ से हम लोगों ने comma लगाना start किया। ऐसा नहीं है। हमेशा हम लोग किधर से start करेंगे? Left से। 1, 2, 3 digits के बाद कॉमा लगाएंगे, देन 2 digits, देन टू डिजिट्स। क्लियर है। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं दिस। ये देखिए ये कौन सा प्लेस है, मंथ प्लेस है, ओ एन ई एस मंथ प्लेस है। दिस इज थाउजेंड प्लेस, थाउजेंड थाउजेंड प्लेस। दिस इज लैक प्लेस, लैक प्लेस। And this is crore place। ये है। अगर हमको इसका नेम लिखना है तो टू इज crore place, तो we write हम लोग लिखेंगे two crore, forty five lakh place, forty five lakh, F O R T Y, forty five lakh, ना? क्यों 45 लाख लिख रहे हैं? क्योंकि ये टोटल 45 वो है लैक प्लेस पे, ठीक है। 73,000, 73, S-E-E-N-T-Y, 73, 3,000, T-H-R-M-L-E-3, 1,000, C-H-O-U-S-A-N-D, 73, 3,000, 400, 26, 400, H-U-N-T-R-E-D, 426, clear है? ये है। This is the main according to Indian system of numeration of the given number. Clear है? तो इस तरह से हमको कोई नंबर दिया गया होगा तो उसको हम according to Indian system of numeration में नेम लिखेंगे। एक और देख लीजिए क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1, 6 ये दिया गया है नंबर। First of all, we will have to insert comma after 3 digits, then 2 digits. अब यहाँ 1 digit बच गया है, वैसे छोड़ देंगे 1 digit. Now ये किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस। ये किस प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस। एंड दिस इज एट लैक प्लेस,
ये लेग प्रेस है, क्लियर है। तो फाइव किस प्रेस पे है? लेग प्रेस। तो हम लोग लिखेंगे फाइव लेग 43 किस प्रेस पे है? 1000 प्रेस पे। तो हम लोग लिखेंगे 43000 FORTHUSAND 216 This is our answer. ये हम लोग का क्या होगा आंसर, क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नंबर्स के नेम लिखने हैं और कॉमा इंसर्ट करने हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, चलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन NUMERATION इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देयर इज वन्स प्लेस वन्स एंड वन्स वी आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट दैट इज वन दैट इज वन्स टेन्स एंड हंड्रेड HUNDRED हंड्रेड क्लियर है। देन देयर इज थाउजेंड इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। कैसे? वंस थ्री पार्ट में डिवाइड है, वंस टेन्स हंड्रेड, थाउजेंड भी थ्री पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? सबसे पहले थाउजेंड, देन टेन थाउजेंड DH मीन्स थाउजेंड ना, देन हंड्रेड थाउजेंड HUNDRED हंड्रेड हंड्रेड थाउजेंड, देन देयर इज मिलियन MILLION मिलियन, देयर इज मिलियन एंड मिलियन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। मिलियन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज मिलियन, देन टेन मिलियन MILLION, देन हंड्रेड मिलियन HUNDRED million MILLION and 100 million। Then after billion उसके बाद आता है billion, trillion और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको अभी million तक discuss करना है, clear? तो यहाँ से एक चीज clear हुआ कि अगर कोई numbers दिया होगा तो देखिए एक हम one part है, एक thousand part है और एक million है, और ones में भी three parts है, ones, tens and hundred, thousands में भी three parts है, thousand, 10,000, 100,000 और मिलियन में भी थ्री पार्ट है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मींस जो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो कॉमा इंसर्ट करना है वो हर जगह थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा इंसर्ट करना है। मान लीजिए कोई नंबर दिया है 5 4 7 6 3 2 1 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंसर्ट कॉमा आफ्टर थ्री डिजिट, देन अगेन आफ्टर थ्री डिजिट और लास्टली देयर इज टू डिजिट, देन यू कैन लिख, ठीक है ना। अगर जो डिजिट बचा है तो बस छोड़ दीजिए। अब देखिए ये कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस, दिस इज अ वंस प्लेस, दिस इज थाउजेंड प्लेस, ये THOU ऐसे है थाउजेंड प्लेस, और दिस इज मिलियन प्लेस, ये किस प्लेस पे है? मिलियन प्लेस पे, मिलियन MILLION। अब नाउ यू हैव टू राइट द नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग नंबर्स का नेम लिखना है। कैसे हम लोग लिखेंगे? देखिए 54 मिलियन, ये 54 किस प्लेस पे है? मिलियन पे है, तो हम लोग लिखेंगे 54 मिलियन। 763, ये टोटल 763 किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है, तो हम लोग लिखेंगे 763,240। नहीं समझ आया? देखिए ये पूरा नंबर जो है 1000 प्लेस पे है, तो इस पूरे नंबर का नाम क्या होगा? ये 3 डिजिट्स है तो 763 है, ये तीनों नंबर क्या है? 763 है, तो हम लोग 763 को 1000 प्लेस में लिखेंगे और ये हो जाएगा 763,000, क्लियर है। हम लोगों का नाम क्या होगा? 54 मिलियन 54
million million 54 million 763,000 700 HUNDRED 763,000 SIHDY 63,000 THOUSAND 240 This is your numbers name according to international system of numeration. Clear hai? Now today I will start checkpoint one of your chapters. आपका जो larger number chapter है, उसका checkpoint one हम start करेंगे. ये हमने discuss किया ये chart आपको अपने form में बना दीजिएगा. ठीक है ना? और इसको अच्छे से समझिएगा. ये बहुत important topic है. Now checkpoint one का question number first हम लोग discuss करेंगे. In question number first you have to write the number name and you have also insert comma according to Indian system of numeration. Question number first में आपको numbers name लिखने हैं और क्या करना है comma separate करना है according to Indian system of numeration. चलिए question number first हम लोग discuss करते हैं. Question number first है place comma according to Indian place value system and write the numbers name in word. ठीक है. Question number first का A है. आप लोग सभी लोग बुक अगर परचेज नहीं किए हैं तो बुक परचेज कर लीजिए और अगर बुक परचेज किए हैं तो चेक पॉइंट वन आप लोगों को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है 468237. ये नंबर्स दिया गया है. आपको इसमें कॉमा इंसर्ट करना है. 468237 में कॉमा इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो मैंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू put या you have to insert comma after 3 digit then after 2 digit. Now अगर अब आपको ये clearly find करना है कि 347 किस place पे है तो ये ones place पे है. 83 किस place पे है तो ये thousand place पे है. 46 किस place पे है तो ये lakh place पे है. clear हो गया. जब आपको इतना clear हो गया तो now you can write the names 46 lakh 40 F-O-R-T-Y 46 lakh S-I-X 6 lakh 83,000 T-I-G-H-D-Y 83-T-H-R-W-3,000 D-H-O-U-S-A-N-D 83,000 347 T-H-R-W-3-100 H-U-N-D-R-E-D 147 F-O-R-D-Y F-O-R-D-Y 47 S-E-T-E-N 7. This is the फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है. क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट है. तो आप लोगों को इस तरह से कॉमा इंसर्ट करना है. देन यू हैव टू राइट द नंबर्स नेम. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है 3965 7316. यू हैव टू पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो कैसे हम लोग कॉमा पुट करेंगे 6573 16. First of all, you have to separate comma after. You have to put comma after 3 digits, then 2 digits, then 2 digits. This is ones place. ये आपका नाम है. ये ones place है. ये thousand place है. ये 96 is at lakh place, and this is at crore place. Clear है? Now we have to write the name of this number according to the Indian system of numeration. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 96 lakh L A K H 96 lakh 57,000 F I F T Y 57 S E D E N 7,000 T H O U S A N D 57,000 316 T H R W 300 H U N D R E D 116 S I X 0. Clear है? इस तरह से हम लोग numbers के नहीं देखेंगे. Now I will discuss about क्वेश्चन नंबर सी. सी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट का सी 3256
79432 ये नंबर है, आपको सबसे पहले कॉमा इंसर्ट करना है, तो 32956 79432 फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स नाउ यू हैव क्लियरिफाई दैट व्हिच प्लेस इज दिस दिस इज अ मंथ प्लेस दिस इज अ थाउजेंड प्लेस दिस इज लैक प्लेस दिस इज करोड़ प्लेस ये क्या है करोड़ प्लेस है नाउ यू कैन राइट द नंबर्स नेम 32 करोड़ टी एच आई आर टी वाई 32 टी डब्ल्यू ओ 2 करोड़ सी आर ओ आर ई करोड़ 56 लैक एफ आई एफ टी वाई 56 लैक एल ए के एच लैक 79,000 एस ई डी एन टी वाई एस ई डी एन टी वाई 79 N I N 9000 T H O U S A N D 1000 432 400 H U N D R E D 132 T H I R T Y 32 Here in this way you have to write the numbers name according to Indian system of numeration and your D question first का जो D part है वो है 743329 041 Now you have to do this number by yourself. Clear? Now pause the video and write it down in your copy. Now I will discuss about question number 2. Question number 2 हम लोग discuss करेंगे. आप लोग video को pause कीजिए और सारे questions को solution को copy में कर लीजिए. Clear? Now question number 2 है. You have to put comma according to international system of numeration. In question number 2 you have to put comma according to International system of numeration and write their name and you have to write their name in word. Here है question number 2 का first. Question number 2 का first. क्या है 6529 6529 023 ये numbers है. आपको क्या करना है comma से place करना है 6529 023 You have to put comma according to international system of numeration. So we know that. According to international system of numeration, we have to put comma after 3 digit, then after 3 digit. 3 digits के बाद हमें हर 3 digits के बाद क्या करना है? Comma separate करना है. Comma हमने लगा दिया. Now you have to write the numbers name. ये this is ones place. ये क्या है? Ones place है. This is thousand place. ये तीनों thousand place हैं. और this is million place. ये क्या है? Million. Now we have to write the numbers name. So 6 is million place. So we can write 6 million M-I-L-L-I-O-N 6,529,000 is at 1000 place. So we write the number name 529 500 H-U-N-D-R-E-D 529,000 T-W-E-N-T-Y-29 N-I-N-E-9 29,000 023 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 23 वो यहाँ पर नंबर आता तो 1,23,523 लिखते लेकिन यहाँ जीरो है तो जीरो को हम लोग लिखते नहीं है केवल 23 तो TWENTY23 In this way, you have to write the numbers name according to international system of numeration. Now, I will discuss about question number B. हम लोग डिस्कस करते हैं 5923 6745 6745 Now you have to put comma according to international system of numeration. First of all, you have to put comma after 3 digit, then after 3 digit, then after जो बच गया उसके पहले लग गया ठीक है. Now आप लोगों को क्लियर है कि this is at ones place, ये ones place है. This is thousand place, ये thousand place है, clear है, ये thousand place है, और and this is at million place, this is million place. Now you have to write the numbers name. तो क्या लिखेंगे 23,000 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
ये 1000 है, 1000 प्लस में कौन है 236, तो 23 नहीं होगा, 236 होगा, ये सब ध्यान देना ना, 200 236 THIRTY SIX, THIRTY SIX, THOUSAND, THOUSAND, THIRTY SIX, THOUSAND, THOUSAND, THIRTY SIX, 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 THOUSAND, THIRTY SIX,
डिस्कस करते हैं सी. सी है 7624, 7624 हाइट 0832. दिस इज द नंबर. यू हैव टू राइट दिस नंबर्स नेम एंड यू हैव टू पुट इंसर्ट कंप्यूट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन 7624508 32. First of all, you have to put insert, put comma after 3 digits, then after 3 digits, then after 3 digits. Now you have to write the number name. आपको numbers name लिखने हैं. This is at ones place. ये ones place पे है. This is at 1000 place and this is at million place. Million place. Now you have to write the numbers name. तो 762 is at million place. हम लोग लिखेंगे कि 700 Clear है? In this way you have to write the numbers name according to international system of numeration D. Last question of this, last part of this question 6102322. Clear है? You have to done this number. You have to write the numbers name of this number according to international system of numeration by yourself. Now I will discuss about question number third. अब हम लोग question number third discuss करते हैं. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि नंबर्स दिए हुए थे उसके हम लोग नेम वर्ड में लिख रहे थे. ठीक है, नंबर्स नेम हम लोग नंबर्स दिए हुए थे नेम लिख रहे थे. अब नंबर्स नेम दिए हुए हैं और नंबर्स में लिखना है. मींस अभी तक हम लोग नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर रहे थे. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट वर्ड इनटू नंबर. अब हमको वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करना है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राइट द नंबर इन फिगर. नंबर्स को फिगर में लिखते हैं. क्या है 15 लाख फर्स्ट है क्वेश्चन. आप लोगों के बुक में दिया हुआ है और मैं फोटो भी सेंड करूंगा आप लोगों को. क्वेश्चन है 15 लाख प्लेस पे है 20 25000 160. देखिए ये वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे ये 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे और ये लैक प्लेस पे है, लैक प्लेस पे. ठीक है ना? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 15 लाख इज एट लैक प्लेस, 25000 इज एट 1000 प्लेस एंड 160 इज एट वन प्लेस. क्लियर है? बी बी है हमारा 6,706 इज एट मिलियन प्लेस. 6 किस प्लेस पे है? मिलियन पे है. ओके, 6 मिलियन प्लेस पे है. मिलियन MI डबल LI मिलियन पे है. नाउ 785 इज एट 1000 प्लेस. 785 किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे. 785 इज एट 1000 प्लेस. 502 इज एट वंस प्लेस. तो वी कैन राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बिकॉज़ देयर इज मिलियन. अगर मिलियन दिया है इट मींस दैट द नंबर्स नेम इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. और अगर 758,000 85,000 दिया है तो भी ये क्लियर हो गया कि दिस
number is according to Indian system of numeration. So 6 million place पे हो गया, 785,000 place पे हो गया, 502 once place पे हो गया. Clear है? Now C है आपका 10 crore है. It means that the numbers they be according to Indian system of numeration. Clear है? तो 10 crore है. तो 10 crore place पे हमने क्या पुट कर दिया? 10. ये crore place पे हो गया. Okay. Crore 20 lakh. लैक करोड़ के बाद पहले कौन आता है? लैक. तो लैक प्लेस पे कौन हो गया? 20 हो गया लैक प्लेस. नाउ 20 एट लैक प्लेस 4002. अब देखिए लैक के बाद आता है 1000. तो 1000 में दो चीजें होती हैं, एक होता है 1000, एक होता है 10000. यहां केवल 1000 दिया है, 10000 नहीं दिया हुआ है. तो 10000 के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे? अपने आप से जीरो पुट कर देंगे. बात समझ आई? यहां पर केवल दिया 4000. अगर 40000 दिया होता तो 40 लिखते, लेकिन केवल 4000 दिया है. मींस जो नंबर्स दिया है वो 1000 प्लेस वाला नंबर दिया हुआ है, 10000 वाला नंबर्स नहीं दिया हुआ है ना. तो जो नंबर्स हमें नहीं दिया होगा उसके प्लेस पे हम लोग जीरो पुट कर देंगे. तो 4000 और अब यहां पर क्या होता है? 0 10s 1s यही होता है ना, सॉरी 1s 10s 100 होता है. और यहां क्या दिया हुआ है? केवल 2 लिखा है, मींस केवल 1 प्लेस वाला नंबर दिया हुआ है, 10 प्लेस वाला नंबर नहीं दिया है, 100 प्लेस वाला नंबर नहीं दिया है. क्या लिखा है? 10 crore 20 lakh 4002 दिया है या 120 दिया, ना 100 दिया है ना 10 दिया है, केवल 1 दिया है 2. तो हम 1 प्लेस पे क्या पुट कर दिए? 2 पुट कर दिए. इस तरह से नंबर्स के नेम हम लोग राइट आउट करेंगे. ठीक है ना. अब आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा तो आपको क्या करेंगे, 10 crore 20,000 4 lakh 2 ये कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाइक ही हुआ और ये क्वेश्चन जो था उसमें क्या था? करोड़ था. तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर डी को आपको खुद से करना है. ठीक है, हर पार्ट का एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद से करने के लिए दिया है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 का ए. क्वेश्चन नंबर 4 का ए, राइट द नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन. क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये सारे नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में लिखने हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 4,11,121. ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में नंबर नेम लिखे हुए हैं, आपको इसे इंटरनेशनल सिस्टम में करने हैं. क्या नंबर उसने लिखा हुआ है? 4,11,121. ये देखिए कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में ये वंस प्लेस हो गया, ये थाउजेंड प्लेस हो गया, और ये थाउजेंड प्लेस हो गया, और ये लैक प्लेस हो गया. ये लैक क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है 4,11,121 हमने लिख दिया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन, ये क्वेश्चन दिया हुआ. नाउ वी हैव टू लाइक दिस नंबर्स according to international system of numeration. 4, 1, 1, 1, 2, 1 ये है. और हम लोग जानते हैं कि according to international system of numeration we put comma after 3 digits. 3 digits के बाद put किया, ये हो गया 1000 place, this is a 1000 place and this is 1's place. ये क्या है? 1's place. Now वो अब हम लोग numbers में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 400 इस तरह से हम नंबर लिखेंगे. तो देखिए हम लोगों को नंबर नेम दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन एंड वी हैव टू राइट दिस नंबर ऑफ नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन. और इन दिस वे वी कैन राइट नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन. क्वेश्चन नंबर 4 का बी हम लोग डिस्कस करते हैं. बी है 13 लाख 13 इज एट लैक प्लेस 13 lakh 22,000 22 is at 1000 plus 22,000 405 405 yes this is at 1 place this is at 1 place. Now 13 lakh 13 किस प्लेस पे है? लैक प्लेस पे है. तो 22,000 प्लेस पे है और 405 1 प्लेस पे है. ये this is
the this number is according to Indian system of numeration and we have to write the number these numbers according to international system of numeration. Now 1322405 ये नंबर है हमको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है तो हम 3 डिजिट के बाद कॉमा सेपरेट करेंगे नाउ हमने सेपरेट कर दिया दिस नंबर इज एट मिलियन प्लेस ये नंबर जो है मिलियन प्लेस पे है ये नंबर जो है थाउजेंड प्लेस पे है और ये नंबर वंस प्लेस पे है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तक नाउ अब हम लोगों को नंबर नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 मिलियन 300 300 300 HUNDRED 300 HUNDRED 22000 TWE 20 2000 TWO 2000 THO USA 20 2000 405 FUNDRED 5 FUNDRED 5 HUNDRED 5 इस तरह से हम लोग नंबर्स नेम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं क्लियर है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 करोड़ 72 लाख देखिए मैं यही बस समझा दे रहा हूं आपको लिख लीजिएगा 6 करोड़ प्लेस पे है 6 करोड़ 72 लाख प्लेस पे है ठीक है सी 6 करोड़ 72 लाख 12000 प्लेस 503 ये क्लियर है अब आपको क्या करना है इस नंबर्स को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है तो 672125033 थ्री डिजिट्स के बाद हम लोगों ने कॉमा इंसर्ट कर दिया नाउ अब देखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दिस इज एट मिलियन प्लेस ये मिलियन प्लेस पे है ये किस प्लेस पे है थाउजेंड प्लेस पे है और ये किस प्लेस पे है वंस प्लेस पे है नाउ यू हैव टू राइट द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर तो 67 मिलियन क्या हो जाएगा इसका नाम आप लोग जो से लिख लीजिएगा 67 मिलियन 212,503 क्लियर है 67 मिलियन 212,503 एंड लास्ट डी क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है 18 करोड़ 19 लाख 16,403 ये दिया गया है ये नंबर्स नेम दिए हुए हैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देन यू हैव टू राइट द नंबर्स नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड चेक पॉइंट 1 In next class, I will discuss about checkpoint 2. Thank you, class.